हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मीनाक्षीज बायो एकेडमी। सो आई एम मीनाक्षी राजपूत। बच्चों, आज हम करने वाले हैं CU CET 2021 का लाइफ साइंसेस का पेपर सॉल्व। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप लोग को और कोई एग्जाम के पेपर सॉल्व करने हैं लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, MSc एंट्रेंसेस, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। ओके, एंड जो भी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, दिस इज माय यूजर नेम, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड ऑल्सो मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का, जिसमें कि मैं आपका जो भी कंटेंट, नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स, जो भी रिलेटेड टू लाइफ साइंसेज मैं अपडेट करती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ, वो मेरा ही टेलीग्राम चैनल है मीनाक्षीज बायो अकेडमी के नाम से। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम। मतलब कि ये जो एंजाइम है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये एंजाइम है आपका ग्लाइकोजेनिन। जो ग्लाइकोजेनिन है ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ प्राइमर। बच्चों, ये प्राइमर की तरह एक्ट करता है और इनिशियली जो शुरू में कुछ ग्लूकोज के एडिशन का काम जो होता है ये, मतलब कि ये आपको ऑलरेडी एक प्राइमर प्रोवाइड करवा रहा है, राइट। ऑलरेडी कुछ जो ग्लूकोज जो सब यूनिट्स होती हैं वो ऑलरेडी अटैच्ड होती हैं, एंड देन फर्दर यहाँ पे क्या होता है, आगे आपका ग्लूकोज का एडिशन होता जाता है एंड ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये एक्ट करता है एज अ प्राइमर। ऑल्सो आपको पता है, अगर प्राइमर नहीं होगा तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कैसे हो पाएगा, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको डीएनए का सिंथेसिस करवाने के लिए बोलूं और मैं तुम्हें प्राइमर ही ना दूं, तो इज इट पॉसिबल? नो। सो लाइक दैट ओनली, यहां पर भी ग्लाइकोजेनिन के बिना ग्लाइकोजन का सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। सो आंसर इज टू। लेटरल रूट प्रीमोर्डिया आर डेवलप फ्रॉम, सो लेटरल रूट प्रीमोर्डिया जो होते हैं आपके जो प्राइमरी रूट टिश्यूज होते हैं पेरिसाइकल, वहां से उसका जो होता है लेटरल रूट प्रीमोर्डिया का डेवलपमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन अकर्स इन द स्लोएस्ट टाइम फ्रेम। ठीक है, सो बच्चे, फीडबैक रेगुलेशन प्रोडक्ट होगा वो जाके क्या करेगा, वहाँ पे रेगुलेशन करेगा, राइट। कि मान लो कि एक्टिवेट करना है या किसी को आपको इनिबिट करना है, राइट। सिमिलरली एलोस्टेरिक, तो वो क्या करेगा, एलोस्टेरिक एंजाइम में जो भी जो आपके रिएक्शन चल रही है उसका प्रोडक्ट जो होगा एलोस्टेरिकली उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। रेगुलेशन थ्रू द कोवलेंट मॉडिफिकेशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन लाइक द फॉस्फोराइलेशन, राइट। ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो गई। एंजाइम सिंथेसिस थ्रू द जीन इंडक्शन, जीन इंडक्शन से एंजाइम सिंथेसिस। तो इसमें ये पूछा गया है, विच ऑफ द रेगुलेशन अकर्स इन द स्लोएस्ट टाइम फ्रेम, सो दिस विल बी द रेगुलेशन थ्रू द कोवलेंट मॉडिफिकेशन, बट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द मॉडिफिकेशन, राइट। सो दिस विल बी योर थर्ड। देन एम्फीबियन एग अंडरगोज, तो एम्फीबियन एग में कौन सी क्लीवेज होती है। मैंने जितना बच्चे 2021 के पेपर को एनालिसिस किया है तो मैंने ये फील किया कि आप लोगों के डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिक्स पे, राइट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिक्स से, जैसे कि जो आपके सेल मूवमेंट हो गया, राइट, क्लीवेज हो गया, राइट, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे एम्फीबियन एग्स जो हो गए, फ्रॉग्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर आपकी होती है अनइक्वल रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, राइट। सो नेक्स्ट इज, फॉर ईच ATP मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन द सोडियम पोटेशियम पंप कॉजेज द मूवमेंट ऑफ, राइट। सो मूवमेंट किसका होता है कि यहाँ पे आपका, जैसे कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप्स होती है, ATP मॉलिक्यूल, मतलब कि ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है, बिकॉज दीज आर द ATPases, राइट। यहाँ पे आपका जो हो रहा है, यहाँ पे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो आपकी ATP खर्च होगी होगी, तो सोडियम पोटेशियम पंप कॉजेज द मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा आपके सोडियम जाते हैं, 3 सोडियम आयन्स बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, तो मोर सोडियम आउट जा रहा है एंड लेस पोटेशियम इन आ रहा है। सो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। इन रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी द स्टेशनरी फेजेस, नॉर्मली जैसे हम नॉर्मल जो क्रोमैटोग्राफी देखते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका स्टेशनरी फेज होता है, राइट, दैट इज पोलर, एंड हम जो इसमें आपका मोबाइल फेज यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं नॉन पोलर, बट यहाँ पे रिवर्स फेज में आपका जो स्टेशनरी फेज है वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, हम पोलर मोबाइल फेज यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, सो आंसर हो जाएगा आपका टू। नाउ द रामाचंद्रन प्लॉट इज, रामाचंद्रन प्लॉट आप लोगों को पता है जो आपके एंगल्स होते हैं, डायहेड्रल एंगल्स जो होते हैं उनके बीच में ये प्लॉट होता है, ठीक है। सो यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेबल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, येस, फॉर द स्टेबल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, फॉर द स्टेबल कॉन्फर्मेशन, राइट, फेवरेबल कॉन्फर्मेशन कौन सी होगी, अल्फा हेलिक्स, राइट, बीटा शीट, एंटी पैरेलल, पैरेलल, ये जानने के लिए। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साईफाई प्लॉट, राइट, येस, जो ये फाई साई प्लॉट है, येस, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेरिकली फेवरेबल कॉन्फर्मेशन,
यस राइट, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. ओके, एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड एंजाइम्स आर, एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड जो आपके एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अभी एक ऐसा क्वेश्चन जो था आपका लास्ट भी आया था, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, मैंने जो 2020 के पेपर कराए थे उसमें माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पे क्वेश्चन था कि उसका कर्व कैसा होगा, तो वहाँ पे हमने करा था हाइपरबोला कर्व होगा. तो यहाँ पे जब एलोस्टेरिकली जो आपके रेगुलेटेड एंजाइम्स होते हैं, फर्स्टली उनका कर्व जो होता है वो होता है सिग्मोइडल कर्व, ठीक है. दूसरे, क्योंकि एलोस्टेरिकली रेगुलेट हो रहे हैं मतलब ये कैटेलिटिक एक्टिविटी भी कर रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, दे हैव द रेगुलेटरी डोमेन भी, जिससे क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहे हैं. तो यहां पे दे पजेस द रेगुलेटरी एंड द कैटालिटिक डोमेन, तो आंसर हो जाएगा 2 and 3 बोथ. नेक्स्ट इज सेल्स आर स्मॉल इन साइज, सेल्स जो होते हैं दे आर स्मॉल इन साइज बिकॉज अगर हम देखते हैं जितना साइज जो होता है वो स्मॉल होता जाता है उतना ज़्यादा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है. लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंसिडर्ड एज एन एंडोटॉक्सिन. एंडोटॉक्सिन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉम्पोनेंट लिपिड ए, जो लिपिड ए होता है इट एक्ट एज अ एंडोटॉक्सिन, और अगर इसकी वजह से जो होता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेप्टिक शॉक भी हो सकता है. मतलब सेप्टिक शॉक में क्या होता है, आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, तो ये इतना ज़्यादा डेंजरस है. ओके, सो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स, एस एम सीज पूछा है. एस एम सीज होते हैं बच्चे कंडेंसेंस, जो कि क्या करते हैं, आपका जो डीएनए होता है उसको कंडेंस फॉर्म में मेंटेन करके रखते हैं, एंड कोहेसेंस जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स को साथ में रखते हैं, उनको ज्वाइन करके रखते हैं. सो ये फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों आपके एस एम सीज हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 4. ठीक है, नेक्स्ट इज एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द पाल्मेट ऑयल सीओए. एक याद हो तो 2020 में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, तो पाल्मेटिक जो एसिड आपका फैटी एसिड होता है उसके अंदर 16 कार्बन होते हैं, राइट. तो यहाँ पे अगर 16 कार्बन होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 times बीटा ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और जब 7 times बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो 4 steps होते हैं उसमें हर एक 4 steps में क्या होता है, आपका एक FADH2 और एक NADH बनता है. तो क्या हम बोल सकते हैं दैट हमारे पास में 7 FADH2 बने होंगे बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, क्योंकि 7 times दैट बीटा ऑक्सीडेशन इज रिपीटेड, एंड हमारे 7 ही NADH बने होंगे, राइट, है ना. अब उसके अलावा इस प्रोसेस में आपके 8-acetyl-CoA जो हैं वो रिलीज हुए होंगे, राइट. 8-acetyl-CoA जो हैं वो रिलीज हुए हैं. अब ये 8-acetyl-CoA जो होंगे ये हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में गए हैं, राइट. इन्होंने एंटर कर लिया है सिट्रिक एसिड साइकिल में, है ना. तो अब हम मान के चलते हैं, तो यहाँ पर आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या बनेगा, आपका NADH बनेगा, आपका FADH2 बनेगा और आपका GTP बनेगा, राइट. अब अगेन ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ये 8 molecules के लिए 8 बार ही होगी, तो टोटल आपके कितने NADH, FADH2 एंड GTP बनेंगे, 24, 8 and 8, राइट. सो आपका एक NADH जो होता है, एक NADH जो होता है इट गिव्स यू अराउंड 1 NADH, एक NADH जो होता है उससे हमारी कितनी ATP बनती है, 2.5 ATPs बनती हैं, राइट. और एक FADH2 जो होता है उससे हमारी बनती है 1.5 ATP. तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि 7 into आप पूरा करोगे, जब इसे कैलकुलेट करोगे, सो यू विल सी कि आपका आंसर आएगा 108 ATP हमारी टोटल बनेंगी. आपको करना क्या है, 7 into यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 7 into 1.5, 1.5, 7 into 2.5, राइट, 24 into 2.5, 8 into 1.5 and 8, राइट. तो अगर आप इसको टोटल करेंगे सो यू विल गेट 108, ऑल राइट. चलिए, नेक्स्ट इज माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, जो कांस्टेंट था वो जिसको हम बोल रहे थे KM इज रिलेटेड, राइट. सो KM को हम रिलेट करेंगे एफिनिटी से, अगर KM की वैल्यू ज़्यादा है सो लेस विल बी द एफिनिटी, राइट. ये रिलेशन आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा एंजाइम की एफिनिटी टुवर्ड्स इट सबस्ट्रेट क्या होगी, कम होगी. सो हम बोल देंगे एंजाइम्स एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट से रिलेटेड है, ठीक है. सो नंबर ऑफ द न्यूक्लियर पोर इन अ सेल, सो नंबर ऑफ द न्यूक्लियर पोर के कितने न्यूक्लियर पोर होंगे एक सेल के अंदर, बच्चे ये डिपेंड करता है मेनली सेल के टाइप पे, राइट. व्हाट टाइप ऑफ द सेल इज दिस, एंड ऑल्सो
द स्पीशीज, राइट, स्पीशीज की कौन से स्पीशीज में कौन से ऑर्गेनिज्म का ये जो है सेल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, बिकॉज अगर आप ऑप्शन देखेंगे साइज ऑफ द सेल, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, डीएनए कंटेंट, सो आंसर विल बी नन ऑफ दीज. ओके, सो ऑब्लिगेट एनेरोब्स, ऑब्लिगेट एनेरोब्स क्या होते हैं बच्चे? ऑब्लिगेट एनेरोब्स वो होते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही सर्वाइव कर पाते हैं. अगर इनके अंदर ऑक्सीजन चली गई तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि इनके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की जो होती है फॉर्मेशन हो जाती है. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाए और वो न्यूट्रलाइज ना हो तो उस सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव द कैटेलेज एंड द सुपर ऑक्साइड डिस म्यूटेज टू न्यूट्रलाइज दोज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. जो आपके सिंगलेट ऑक्सीजन हो गई, सुपर ऑक्साइड हो गया, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इनके पास एंजाइम्स नहीं होते हैं. कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज वन फर्स्ट एंजाइम इन द यूरिया साइकिल इज एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड बाय. तो यहाँ पे ये एलोस्टेरिकली रेगुलेट होता है आपका एन एसिटिल ग्लूटामेट से, राइट. एन एसिटिल ग्लूटामेट जो होता है वो क्या करता है? इसको एक्टिवेट करता है, राइट. सो अगेन बायोकेमिस्ट्री, पूरे जो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द बोर इफेक्ट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एबिलिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इज मोर व्हेन द पीएच डिक्रीजेस, राइट. जैसे ही क्या होता है, अगर पीएच डिक्रीज हो गया है ब्लड का, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की टूवर्ड्स ऑक्सीजन वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, राइट. एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन टूवर्ड्स हीमोग्लोबिन टूवर्ड्स ऑक्सीजन जो होती है वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. तो एफिनिटी डिक्रीज हो गई तो वो क्या करेगी? उसकी जो एबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है. तो आंसर हो जाएगा ए. फिनाइल कीटोन यूरिया इज द डिसफंक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस साल जेएम के पेपर में भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन, राइट. आई थिंक फिनाइल कीटोन यूरिया पे नहीं आया था, एल्केप्टोन यूरिया पे आया था, बट ये आपको याद रखना है, राइट. सो इट इज द फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेल. सो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन्स. इट इज द नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन जो कि क्या होता है? सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, एक शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स हो गए, ठीक है. मतलब कि आपके प्रोटियोग्लाइकेन्स येस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं. कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन, राइट, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, बट सेल्युलोज इज नॉट associated with the extracellular matrix. So answer will be cellulose. Purity of the DNA sample can be measured by checked by measuring the ratio of absorbances, right? तो यहाँ पे हम purity check कर सकते हैं DNA sample की by taking this ratio 260/280 रेशियो, राइट. हम एब्जॉर्बेंसेज जो होंगी उसका रेशियो लेते हैं, और अगर इसकी वैल्यू अराउंड 1.8 आती है तो हम मानते हैं कि जो हमारा डीएनए है सैम्पल वो क्या है? प्योर है, राइट. वैसे हम इस वैल्यू को 1.6 से लेकर 2.0 तक वैलिड मानते हैं कि अगर इसके बीच में वैल्यू आई है तो वो एकदम प्योर है. बट 1.8 जो है, अगर आप बोलोगे कि 1.8 अगर आपकी वैल्यू आई है तो योर सैम्पल इज प्योर. अगर इससे वैल्यू जो होती है अगर हाई जाती है तो हम बोलते हैं कि आरएनए का कंटाम, अगर कम जाती है तो फिनॉल का और आपके प्रोटीन का कंटामिनेशन यहां पर हो सकता है, राइट. सो आंसर हो जाएगा फॉर द प्योर डीएनए सैंपल द वैल्यू विल बी 1.8. ओके, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप मेनली डिपेंड्स ऑन. अब ये एबीज इक्वेशन जो हमने लास्ट टाइम भी करी थी, राइट, ऐसे ही क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम भी, मतलब लास्ट वाले पेपर में भी, 2020 वाले में, है ना. तो ये न्यूमेरिकल अपरेचर, तो अगर मैं न्यूमेरिकल अपरेचर की वैल्यू बढ़ा दूंगी तो क्या हो जाएगी? रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो जाएगी. यस, द की ड्राइविंग फोर्स फॉर द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है उसमें की ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तभी वहाँ पर डिफ्यूजन जो होगा वो हो पाएगा. सो एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन काइनेज ए इज रेगुलेटेड बाय, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द एडिनिल साइक्लेज, बिकॉज एडिनिल साइक्लेज जो होगा वो बनाएगा साइक्लिक एएमपी, एंड साइक्लिक एएमपी देन फर्दर क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा आपके प्रोटीन काइनेज ए को. वट आर द डेक्सट्रांस? डेक्सट्रांस आर द एनहाइड्रस पॉलीमर्स ऑफ द ग्लूकोज.
ओके, इंट्रा सेलुलर रीअरेंजमेंट्स आर कैटेलाइज्ड बाय इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स आर कैटेलाइज्ड बाय द आइसोमेरेजेस. आइसोमेरेजेस कैटेलाइज द इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, राइट. तो आपको सारे एंजाइम, उनके जो ईसी जो नंबर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. डायरेक्टली क्वेश्चन जो होता है उस पर से आता है. ओके, नेक्स्ट इज टू कीटो थ्री डिऑक्सी सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ द एंटर डुओड्रॉफ पाथवे, राइट. इसके बाद ये क्या होता है, इट विल ब्रेक इनटू द पायरुवेट एंड द ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट. ओके, देन सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो. सेडिमेंटेशन रेट जो होगी पार्टिकल की जीरो कब होगी, जब उसकी जो डेंसिटी होगी वो सराउंडिंग मीडियम से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. तो वहां पे जो सेडिमेंटेशन रेट होगी दैट विल बी जीरो. अगर अभी तक भी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन.